हाँ, नगमा थैंक ऑफ सरफ खान इसलिए हुआ, ज्यादातर सनम का बहुत नाम सुना था, सनम सनम सनम, पिक्चर मूवी भी बहुत देखी है सनम के नाम, बस सनम नाम पसंद था, पर नगमा मुझे शुरू से इतना ज्यादा खास पसंद नहीं था, तो इसलिए मैंने 15 में मैंने चेंज ही करवा लिया। एक्चुअली जब मैंने चेंज करवाया, मैंने अपनी माँ को भी नहीं बताया कि मैंने नाम चेंज करवा लिया। चेंज होने के बाद में तब मैंने मम्मी को बोला कि मैंने सनम खान करवा लिया, नगमा मैंने हटा दिया। आपका पूर्व इतिहास बताइए, नगमा का शादी, बच्चे, और कैसे वो शादी फिर आपने छोड़ दिया, किसी ने बता दी? शादी का, हाँ, तो 2012 में यहाँ पे ज्ञानोदय में पढ़ रही थी, उस टाइम पे मेरे 8वीं के एग्जाम थे, मैं 8वीं के एग्जाम दे के छुट्टी पे गई। अब मैं जब छुट्टी पे तो हर हर कोई गांव जाता है, हर बच्चे का सपना होता है कि नानी के घर जाए या कहीं पे भी घूमने जाए, तो मैं वहां गई। उसके बाद मेरी मम्मी भी मेरे पीछे से आई, पर मेरी फैमिली वाले बोले कि मतलब लड़की है, जवान हो रही है, बड़ी हो रही है, तो इसकी शादी वादी करा दो, तू अकेली है, काम करती है वहां पे, इसको कौन देखता होगा। तो उन लोगों ने रिश्ता, मतलब मेरे सब घर वालों ने रिश्ता देखा और मेरी शादी करवा दी। अब मैं तो छोटी थी, ऐसे 2012 में मेरी शादी हुई, तो मैं इतनी बड़ी नहीं थी, 12-13 साल की थी। उसके बाद जब शादी हुई, तो शादी का मतलब तो मुझे पता नहीं ना, तो शादी तो हो गई, पर शादी होने के बाद में मतलब मेरी तो मर्जी नहीं थी ना। अब जाहिर है, इतनी छोटी सी लड़कियों के कितने सपने होते हैं, पढ़ाई के, हर एक चीज के सपने होते हैं, तो मेरे भी कुछ सपने थे, मैं शादी से वो ही नहीं थी, फिर भी मैं रही। मुझे मेरी माँ जो है वो भी मुझसे ज्यादा मिलने नहीं आई, क्योंकि ये रहे, अगर मैं मिलने जाऊंगी तो ये बार बार आने की जिद करेगी, वो भी इतना मिलने नहीं आती थी। तो शादी हुई, उसके बाद मैं अपनी ससुराल में रही, कुछ दिन रही, तो वो है ना, एक आदमी तो आदमी होता है, उसकी शादी हो जाती है, अब वो अपना, ऐसे लड़कियों का ये समझते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी है, चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो, तो मतलब ऐसी जबरदस्ती मारना पीटना। उसके बाद ये मेरी बड़ी बच्ची हुई, तो मुझे वहां पे रहना पड़ा। ये मेरी बड़ी लड़की 2013 में हुई है, 19 दिसंबर को, तो मैं वहां पे रही, बच्ची थी मेरी, मैं रही। उसके बाद फिर भी वही मारपीट, लड़ाई झगड़े, सब कुछ, फिर भी मैं बड़ी लड़की है ना, वो काम करता था, वो गाड़ियां उतारता था, जो कम्बल वम्बल आते हैं, 100 रुपये मिल गए, 200 रुपये मिल गए, अब उसमें तो घर नहीं चलता। इतना सही एक हॉल था, उसमें उसकी पूरी फैमिली, उसके भाई वगैरह सब रहते थे, लड़ाई झगड़े रहते थे, मारपीट ये सब रहता था। उसके बाद मैं इधर आई, मेरी बड़ी लड़की जब 8 महीने की थी, तो मैं इधर आई, मामा मुझे बोली जब उधर परेशानी हो रही तो इधर आके रहो, मैं उस इंसान को इधर लाई, वही 1 साल मेरे साथ रहा, उसने यहाँ पे भी कुछ नहीं किया, वो घर में ही पड़ा रहता था, घर में ही खाना पीना, बस वो, उसको कोई मतलब नहीं है काम से ना बच्चों से। मेरी माँ ने बोला चलो मैं जगह लेके देती हूँ, आप काम करके उसको बना लेना, तो मेरी माँ ने पैसे दिए, जमीन के 90,000 दिए, फिर भी वो कहते हैं ना मारपीट, लड़ाई झगड़े। उसके बाद मैंने सुसाइड अटेम्प्ट 7 बार की, क्योंकि मुझे मतलब कौन लड़की रहेगी उसके साथ जबरदस्ती हो रही है, मारपीट हो रही है, कोई खुशी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो कौन रहेगा। उसके बाद मैंने सुसाइड भी अटेंड की, मेरे हॉस्पिटल का खर्चा भी मेरी माँ उठा रही है, मेरे पाकिस्तान वो तो मैंने पाकिस्तान तो मैं अब ही गई। वो उसके बाद शादी का तो देखो सब हो गया, वो तो पहली शादी का मेरा, मैं बताया 2015 में मैंने नाम चेंज किया, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से किया था। उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड से अलग हुई, जब मेरी छोटी लड़की थी, वो छोटी थी बहुत, तभी मैं अलग हो गई थी, तो क्योंकि उसके बाद हमारा कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, कोई आना जाना नहीं, उसके बाद कुछ मतलब कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद करोना भी गया, सब कुछ हुआ। 2021 में मेरी फेसबुक पे मुलाकात हुई थी बाबर बशीर से, जो मेरे हस्बैंड का नाम है, बाबर बशीर अहमद, उनसे मैं 2021 में ऐसी मई के टाइम पे मिली थी। उसके बाद हम 1-1.5 महीना फ्रेंडशिप में रहे थे, उसके बाद हमारा रिलेशनशिप हुआ, फिर जब हम सोचा कि शादी का, तो पहले हमने एक दूसरे को अपने बारे में सब बताया, मैंने अपनी शादी का, बच्चों का, सब कुछ बताया, उन्होंने फिर अपना भी बताया, उनकी फैमिली में कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, मतलब सब कुछ बताया। उसके बाद जब हमें लगा शादी मतलब ठीक है, इंडिया पाकिस्तान क्या क्या बोलते हैं, जब होगी तो देखा जाएगा आगे क्या होता है, फिर बोले अपनी अपनी फैमिलियों से बात कर लेते हैं, फिर मैंने अपनी माँ से बात की, उन्होंने अपनी फैमिली से बात की, फिर फैमिली वालों ने बोला कि हमें आपस में बात करनी है फैमिलियों में, तो हमारी फैमिली में आपस में बात हुई, वीडियो कॉल पे, वॉइस कॉल पे, फिर इन लोगों ने डिसाइड किया ठीक है बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं। उसके बाद फिर मैंने अपने पासपोर्ट दिए बनने के लिए, 23 में 22 में हमारी फैमिलियों में बात हुई ना, तो हमने 23 में पासपोर्ट, मेरी माँ ने सपोर्ट किया, मुझे पासपोर्ट बनवाए मेरे मेरे बच्चों के। उसके बाद में फिर मैंने वीज़ा अप्लाई किया,
अप्लाई करने के बाद सब लीगल तरीके से, जब सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे, इंक्वायरी वगैरह सब हो गई थी, उसके बाद मुझे वीजा मिला। तब तो जा आपकी सरकार से क्या मांगे, किस तरीके से आपके साथ जो है बाकी पुलिस पुलिस की क्या कुछ इंक्वायरी आपको इंक्वायरी का तो मेरा यही है, मैंने यही बोला है आपको, इंक्वायरी करनी आप करें, बेशक करें, बट नाम को आप इशू कर रहे हैं तो नाम मैंने आपको कितनी बार बताया, मैंने 15 में चेंज किया है और अपनी मर्जी से चेंज किया, उसका कोई इशू नहीं है। और पाकिस्तान, हाँ ऑनलाइन भी मैंने नाम चढ़वा दिया अपना, सनम खान। अब पाकिस्तान का ऐसा है, यहाँ पे मेरा मेका है, वहाँ ससुराल है, मेरा आना जाना लगेगा, तो हर बार तो देखो मैं पुलिस चौकी के चक्कर नहीं काट सकती ना। अभी भी मैं अपनी माँ को देखने आई थी, मेरी माँ की तबीयत खराब थी, अब मैं 10-15 दिन के लिए आई हूँ, अब 10-15 दिन में मैं पुलिस के चक्कर काटती रहूंगी तो मैं अपनी माँ को हॉस्पिटल कैसे दिखाऊंगी। अब मैं हॉस्पिटल में पुलिस चौकी में भी बोली, सर मेरी भी तबीयत खराब है, मेरी माँ की भी, मुझे हॉस्पिटल जाना है, पर वो लोग रात को 8 बजे छोड़ते हैं, तो कैसे मैं करूंगी। अब अगले महीने में मुझे जाना भी है, क्योंकि बच्चों का री एंट्री का वीजा है मेरा 1 साल का, और बच्चों का मैं एडमिशन करवा के आई हूँ वहाँ पे। यही है मेरा कि मतलब मैं आऊं तो इतना हर बार का इशू तो ना बनाए ना। क्लियर तो देखो मैंने कर दिया है, मैं लीगल तरीके से गई हूँ, मैंने बोला भी है कि मैं आती जाती रहूंगी, क्योंकि जब तक मेरी माँ है मैं आती जाती रहूंगी, चाहे मैं महीनों में आऊँ, साल में आऊँ, 6-7 महीनों में आऊँ, वो मैं आती जाती रहूंगी। तो हर बार मैं पुलिस चौकी के चक्कर नहीं काट सकती, पुलिस वालों का काम है एक बार में क्लियर कर दें कि क्या है क्या नहीं है, एक ही बार में। ये काम तो मेरे जाने से पहले होना चाहिए था, वैसे जब मैं गई थी तब होनी चाहिए थी, इतनी इंक्वायरी नाम की, मैं जाके भी आ गई, अब नाम का इशू बना रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। पहले पहले कहाँ आते थे ये लोग, पहले करना चाहिए था।